हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स देखो, मैं आज आपके लिए आपके जो हाथों में रूखापन आ जाता है, आपके एड़ियों में जो रूखापन आ जाता है, उसे दूर करने का बिल्कुल इजी नुस्खा बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं ऑनलाइन आऊंगी या मेरी कोई वीडियो आएगी तो आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। तो आज मैं फ्रेंड्स आपके गर्मियों में आपके जो हैंड्स होते हैं, जो उसकी हथेलियां होती है, पाम्स होती है, उसमें से कुछ स्किन्स निकलने रहती है, कुछ चमड़े निकलने रहती है, जिससे आपकी स्किन बिल्कुल रूखी और बेजान पड़ जाती है और आपकी एड़ियां भी रूखी बेजान पड़ जाती है। तो उसको उसका ट्रीटमेंट करने के लिए आज मैं आपको कोई बेस्ट नुस्खा बताने वाली हूँ। तो आप तैयार जाइए मेरे इस लिस्ट को देखने के लिए। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको एक बॉल लेना है और आपको इस बॉल के अंदर क्या ऐड करना है, आपको बोरोप्लस लेना है। क्या आप जानते हैं कि बोरोप्लस आपकी स्किन के लिए फायदेमंद होता है? जी हाँ, फायदेमंद होता है, लेकिन किस तरह से आप इसका प्रयोग करें ताकि ये आपकी स्किन को जल्दी से ट्रीटमेंट करके उसे पहले जैसा सुंदर बना सके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको थोड़ा सा बोरोप्लस लेना है और उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इसमें 2 से 3 बूंद ग्लिसरीन ऐड करना है और उसके बाद आपको नेक्स्ट चीज में एलोवेरा जेल लेनी है। आपको अबाउट 1 चम्मच एलोवेरा जेल लेना है। अगर आप सिर्फ अपने हथेलियों को ट्रीट करना चाहते हैं तो आप 1/2 चम्मच ही एलोवेरा जेल लें। अब आप इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लें और एक सॉफ्ट सा पेस्ट तैयार करें। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको मिक्स करना है। थोड़ा सा आपको जो ये बोरोप्लस है उसको मिक्स करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, लेकिन आप 2 मिनट तक इसे अच्छे से मिक्स करेंगे तो ये तीनों चीजें अच्छे से एक दूसरे से मिक्स हो जाएंगी और ये बिल्कुल सॉफ्ट सा पेस्ट तैयार हो जाएगा, जो कि आपकी हथेलियों को ट्रीटमेंट करने के लिए बिल्कुल बेटर होगा। तो देखिए, मेरा पेस्ट को तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं मेरे बॉल्स में कितना अच्छा पेस्ट दिख रहा है। तो अब आपको सबसे पहले अपने हथेलियों को जो है उसे नॉर्मल वाटर की सहायता से और किसी भी सॉप की सहायता से आपसे वॉश ना करें, आप इसे रोज वाटर की सहायता से अच्छे से वॉश कर ले और वॉश करने के बाद टॉवल से सुखा ले। उसके बाद आप इस रेमेडी को कुछ इस तरह से अपने फिंगर्स पे ले और अपने पाम्स पे ऐसे अप्लाई करें और फिर इस पाम पे भी अप्लाई करें और फिर दोनों हाथों को अच्छे से ऐसे ऐसे कम से कम 5 मिनट तक एक दूसरे की सहायता से ऐसे रब करते रहें, आई मीन रगड़ते रहें। 5 मिनट तक आपको अपनी दोनों हथेलियों को एक दूसरे से रब करना है, आई मीन रगड़ना है। ये देखिए, 5 मिनट तक मैं अपनी हथेलियों को रगड़ रही हूँ, बहुत गर्मी हो रही है। देखिए फ्रेंड्स, मैं अपनी हथेलियों को भी रगड़ रही हूँ, साथ में पंखे भी कर ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको 5 मिनट तक ऐसे हथेलियों को रगड़ना है। 5 मिनट के बाद आपके हथेलियों में जो आपने रेमेडी लगाई है वो थोड़ा सा ड्राई होने लगेगी, तो फिर दोबारा से आपको एक ही बार नहीं अप्लाई करना है, दोबारा से फिर से वही रेमेडी लेनी है और फिर दोबारा से अपने हथेलियों को फिर से 5 मिनट तक के लिए रब करना है। आई मीन 10 मिनट तक आपको रब करना है, लेकिन रुक रुक के रब करना है। तो आप फिर से 5 मिनट तक अपने हथेलियों को रब करें और रब करने के बाद आप इसे ऐसे ही ड्राई होने के लिए छोड़ दें। क्या यार, बस दिन भर रगड़ती रहेंगे कि चलना है पार्टी में, चलिए चलना है पार्टी में, लेकिन 10 मिनट तक तो ट्राई करना है। अगर आपके हाथों में भी ऐसी कोई समस्या हो तो आप उसे ड्रॉप करके कर लीजिए। आप भी करना चाहती है, लीजिए मेरी रेमेडी, आप भी अप्लाई कर लीजिए। थैंक यू। हाँ, तो आप भी अप्लाई करिए। 10 मिनट मेरे हो चुके हैं, मैंने अपने हैंड्स को बिल्कुल ड्रॉप करके अच्छे से कर लिए। अब आप इसे, अगर आपको जल्दी से ड्राई करना है तो आप किसी कॉटन की सहायता से या किसी हैंकी की सहायता से इसे हटा सकती है, या फिर अगर आप रात में इसे अप्लाई करती है तो आपके लिए बहुत ही बेटर होगा, क्योंकि रात में आपकी ऐसी कोई फ्रेंड नहीं होगी जो पार्टी में जाने की जल्दी करेगी, तो आप इसे रात में अप्लाई करें तो बेटर होगा। आप इसे रात में अप्लाई करें और सुकून से इसे अप्लाई करने के बाद बिस्तर पे सो जाइए। रात भर जब ये आपकी स्किन पर लगा रहेगा तो आपकी हथेलियां 3 दिन के अंदर बिल्कुल सॉफ्ट और नाजुक दिखने लगेंगी। तो फ्रेंड्स, हफ्ते में आपको सिर्फ 2 ही दिन इसे अप्लाई करना है और 3 दिन के बाद आपकी हथेलियों में इतनी चमक आ जाएगी और आपकी हथेलियां बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और मेरी इस रेमेडी को आप खुद ट्राई करिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको इसका कितना बेनिफिट रहा और आपकी हथेलियां कितनी सॉफ्ट हो गई है। तो फ्रेंड्स, आपके जो प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं ना, मुझे उसका रिप्लाई करने में बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि उसका रिप्लाई करने में मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है। तो फ्रेंड्स, आगे हम दोनों मिलते हैं आपको एक ऐसे नुस्खे के साथ जो आपके लिए बेनिफिट के लिए हो। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।